भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत चुके हैं और बधाइयों का इस समय तांता लगा हुआ है, चाहे वो आम इंसान हो या फिर खास, हर कोई भारतीय टीम को बधाई दे रहा। और अब इसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई यहां पर पर्सनल लेवल पर दी। आप सभी ने देखा कि कल जीत के बाद उनका एक वीडियो आया था जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो चुका है। और अब जो नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यहां पर एक फोटो शेयर करी है और उन्होंने एक मैसेज लिखा है। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली से पर्सनली फोन पर बात करी। विराट कोहली अभी भी वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में मौजूद है, पूरी टीम इंडिया के साथ आज वहां पर गाला डिनर भी है। पर उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली से पर्सनल लेवल पर बात करी है और उन्होंने एक मैसेज लिखा है विराट कोहली को टैग करते हुए। लिखते हैं कि डियर विराट कोहली, ग्लैड टू हैव स्पोकन टू यू लाइक द इनिंग्स इन द फाइनल्स यू हैव एंकर्ड इंडियन बैटिंग, यू हैव शोन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम T20 क्रिकेट विल मिस, बट आई एम कॉन्फिडेंट यू विल कंटिन्यू टू मोटिवेट द न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स। यानी कि विराट कोहली की तारीफ करी है और उन्होंने ये कहा है कि T20 में आपको खेलते हुए ना देखकर हम लोग आपको मिस करेंगे, पर साथ ही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए आप एक मोटिवेशन होंगे और एक आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल होंगे। यानी कि विराट कोहली, आप सभी को बता दे, कल उनकी एक ऐसी पारी आई है, अभी तक उनका बल्ला पूरी तरीके से खामोश रहा, पर सबसे बड़े खिलाड़ी की सबसे खास बात यही होती है कि बड़े मौके पर जब टीम नीचे होती है वो सबसे आगे खड़े होते हैं। विराट कोहली ने वो करके दिखाया और जीत के बाद विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया कि दिस वॉज माई लास्ट T20 गेम, अब मैं नहीं खेलूंगा। और साथ के साथ ही रोहित शर्मा भी इस कड़ी में शामिल हो गए और भारत के दो सबसे बड़े पिलर रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 को अलविदा कह चुके हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से पर्सनल लेवल पर बातचीत करके उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और जीत की बधाई भी दी है। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।